शिवाय। आज लगभग 11 बजे के पहले जन्मे जातक हस्तिनी नक्षत्र में पैदा होंगे और लगभग 11 बजे के बाद के जन्मे जातक चित्रा नक्षत्र में पैदा होंगे, जिसके अगले दो चरणों तक जातक की कन्या राशि ही बनी रहेगी। ऐसे जातकों के ऊपर मंगल और बुध का मिला जुला प्रभाव बना रहेगा। ऐसे जातक धैर्यवान, उच्च अभिलाषी, महत्वाकांक्षी, ऊर्जावान, शांति प्रिय और बहुत बुद्धिमान होते हैं। इनके जीवन में भाग्योदय के कई अवसर मिलते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा तो जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक पक्ष और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल रहेगा। मानसिक रूप से उलझन और अनावश्यक व्यग्रता बनी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा आज भी पीड़ित हैं। इनके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ पा रही है, इसलिए मन अकारण चिंताग्रस्त रहेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में कमी महसूस होगी। सारी सुख सुविधाएँ होते हुए भी मन में असंतुष्टि की भावना बलवती रहेगी। धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें, अनुकूलता मिलेगी। आज का दिन आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। मित्र बंधुओं का सहयोग आपकी सक्रियता को और बढ़ावा देगा। अपने कार्य योजनाओं को व्यावसायिक उन्नति के लिए लागू करें, आपके प्रयास सार्थक होंगे। अधिकारियों का या राजकीय सहयोग आपकी उन्नति में सहायक होगा। पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति आपको राहत मिलेगी। आर्थिक मामलों का निपटारा आपके पक्ष में रहेगा। बहुप्रतीक्षित कार्य संपादित होंगे। आज आप अपने आप में खुश, शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे। हर काम क्रमशः होता जाएगा। मित्रों की सलाह से आप भ्रमित हो सकते हैं। अपनी सक्रियता और अपने प्रयास पर भरोसा रखें। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है। वाद विवाद या न्यायालय से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। अधिकारी वर्ग या सरकारी विभाग से सहयोग मिलेगा। शाम का समय आपके लिए और उन्नतिकारक सिद्ध होगा। बहुप्रतीक्षित काम पूरा होने का योग हो गया है। आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज पहले से ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। संतान संबंधी शुभ समाचार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। किसी उच्च वर्गीय समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। व्यावसायिक उन्नति के योग बने हुए हैं। प्रयास करें, सफल रहेंगे। सामाजिक रूप से व्यस्त रहते हुए भी आर्थिक उन्नति और व्यावसायिक उत्थान होता रहेगा। मित्रों से लाभ की स्थिति बनी हुई है। पारिवारिक सहयोग बना रहेगा। संतान के प्रति चिंता आज लगी रहेगी। न्यायालय या वाद विवाद से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। कुछ बड़े निवेश का योग बना हुआ है। घरेलू वस्तुओं में वृद्धि होगी। अधूरे निर्माण को पूरा करने का समय चल रहा है। आज वाहन धीमे चलाएं, चोट लगने की संभावना बनती है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सांसों से या पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। आज आपके प्रयास की गति धीमी हो सकती है। फिर भी आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। सरकारी सहयोग बना रहेगा। संतान संबंधी चिंता आज लगी रहेगी। शाम तक धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। कार्य व्यवसाय से संबंधित कुछ अतिरिक्त व्यावसायिक निमंत्रण, बिजनेस ऑफर मिल सकता है, जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आज का निर्णय आपको अतिरिक्त लाभ और व्यावसायिक उत्थान के लिए सहायक होगा। सरकारी विभाग और मित्रों का सहयोग बना रहेगा। शाम तक हर्ष और प्रसन्नता पूर्ण माहौल महसूस करेंगे। आज का दिन आपको हर काम सुचारू ढंग से करने में मदद करेगा। पिछले दिनों की अपेक्षा आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। काम करने में मन लगेगा।
सकारात्मक निर्णय लाभदायक होगा। आपके प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। मित्र बंधुओं से सहयोग मिलता रहेगा। शाम तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। खुशी और प्रसन्नता का माहौल महसूस करेंगे। आज की मेहनत आपके व्यवसाय के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। मित्रों की सलाह को किनारे करते हुए अपने निर्णय को प्राथमिकता दें। सारे प्रयास सार्थक होंगे। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। अनावश्यक समय बिताने वाले लोगों से बचें। आज बड़े भाई या पिता का सहयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अपने अंतर्मन की बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, सफल रहेंगे। आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति के योग चल रहे हैं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अनावश्यक भाग दौड़ कम करें। पारिवारिक तनाव की स्थिति बढ़ सकती है। दिन भर की मेहनत और भाग दौड़ शाम तक सफलता के मुकाम पर पहुंचाएगा। आर्थिक और व्यावसायिक प्रयास सफल होंगे। वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। परिवार या संतान पर अच्छे कामों में खर्च की स्थिति बनी हुई है। आज देवदर्शन के योग बने हुए हैं। आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सादा भोजन करें। बाहरी खाद्य पदार्थों से संक्रमण होने का खतरा बना रहेगा। संतान संबंधी चिंता और पारिवारिक तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। आज मन में नकारात्मक विचार ना लाएं। शाम तक मानसिक रूप से शांत और खुशी महसूस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।